जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तालिबान ने कश्मीर के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, यानी अपनी सरकार बना ली और एक जो लोकतंत्र की सरकार वहां पर बनी हुई थी, अशरफ गनी इस्तीफा देकर भाग चुके हैं और हेलीकॉप्टर में पैसे भरकर उनके ऊपर इल्जाम लगा, हेलीकॉप्टर में पैसे भरकर वो किसी और दूसरे देश चले गए, वहाँ की आर्मी ने सरेंडर कर दिया और वहाँ पर तालिबान का राज आ गया। 20 साल की लड़ाई के बाद तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के ऊपर राज कर लिया, जहाँ पहले भी तालिबान का राज था अफगानिस्तान के अंदर। एक बार फिर से तालिबान का 20 साल के बाद संघर्ष करने के बाद तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के ऊपर राज करा है दोस्तों, यानी कब्जा किया है। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं, तालिबान ने ऐलान कर दिया कि अब जो लड़ाई है वो रुक चुकी है, हमने कब्जा कर लिया और यहाँ पर लोकतंत्र कोई भी नहीं बनेगा, इस्लाम के तौर पर अफगानिस्तान चलेगा, इस्लामी कानून के शरिया के हिसाब से, यहाँ पर कानून के हिसाब से, यानी शरिया के कानून के हिसाब से अफगानिस्तान चलेगा, कोई भी इंसान के लिखे हुए कानून से कोई भी अफगानिस्तान में काम नहीं होगा, जो इस्लामी कानून कहता है उस हिसाब से, यानी इस्लाम का राज अफगानिस्तान के अंदर आ गया। पर दोस्तों हमारे देश की मीडिया का भी खेल शुरू हो गया, एक नंगा खेल शुरू हो गया, जो तालिबान के बारे में एक शब्द भी, कोई भी शब्द बोल रहा है भारत के अंदर, तो वो उनके ऊपर डिबेट रख रही है, बड़ी बड़ी यानी हस्तियों को बुलाकर उनसे प्रतिक्रियाएँ ले रही है और बोल रही है कि तालिबान के हमदर्द हैं भारत के अंदर। जबकि हमें तालिबान से क्या लेना है, हमें अफगानिस्तान से क्या लेना है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना है। तालिबान कुछ भी करें, अफगानिस्तान के लोग कुछ भी करें, पाकिस्तान के लोग कुछ भी करें, हमें क्या मतलब है। हमें अपने देश को देखना है, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है, हमें अपने देश की बेरोजगारी खत्म करनी है, हमें अच्छी शिक्षा करनी है अपने देश की, स्कूल अच्छे करने, कॉलेज अच्छे करने, अच्छे डेवलपमेंट करना है, रोड बननी है और मतलब लोग खुश रहें, गरीबी जो है हमारे देश के अंदर उसको खत्म करनी है। हमारे देश के मीडिया चैनलों पर उसके बारे में कोई भी डिबेट नहीं रखी जा रही है दोस्तों। गोदी मीडिया अभी इस टाइम तालिबान के ऊपर भौंक रहा है और यानी जो तालिबान की जो पहले की वीडियो है उनको दिखा रहा है, जो जुल्म तालिबान ने पहले औरतों के ऊपर किए हैं वो दिखा रहा है, जबकि इन्हें कश्मीर की औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो तो दिखाई नहीं दिया गया, इन्हें अब अफगानिस्तान की औरतों की फिक्र हो रही है। पर दोस्तों बात करें कि तालिबान ने आखिर भारत के ऊपर क्या बयान दिया है उसके बारे में बात करें, तो कश्मीर के नहीं, तालिबान ने भारत के ऊपर तो बयान दिया ही दिया है, साथ के साथ कश्मीर के ऊपर जो बयान दिया है वो भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को सुलझाना होगा कश्मीर का मुद्दा। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भारत और पाकिस्तान को सुलझाना होगा कश्मीर का मुद्दा, हम इस मामले पे नहीं बोलेंगे और हम सभी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, जबकि हमारे भारत से रिश्ते अच्छे नहीं रहे पर हम फिर भी चाहते हैं कि भारत से हमारे रिश्ते अच्छे रहें। वही पाकिस्तान पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान के काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं और उनका, अफगानिस्तान के लोगों का दूसरा घर भी पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान पड़ोसी देश तो और हमारे शुरू से पाकिस्तान से अच्छे संबंध रहे पर हम फिर भी पाकिस्तान या एक किसी देश का समर्थन नहीं करेंगे। पाकिस्तान और भारत के चाहे जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं पर हम किसी एक देश का समर्थन नहीं करेंगे, उन दोनों को खुद बैठकर ये सुलझाने होंगे, हम किसी एक देश का नहीं समर्थन करेंगे। वही कश्मीर पर उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कहा है कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को मिलकर कश्मीर का मुद्दा सुलझाना होगा। अब आखिर आगे क्या होगा ये तो अभी बोल रहे हैं तालिबान के लोग, पर आगे उनकी क्या रणनीति होगी, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान को कश्मीर के ऊपर अपने साथ लाएंगे, कैसा रहेगा वो आने वाला टाइम बताएगा। चलिए आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद, आप नीचे कमेंट में प्रेस जरूर बताइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।